आप सबका स्वागत है ओवर जायद के मस्ती भरे ब्लॉग में। तो गाइज हम लोग वही रात में अम्मी के यहाँ सो गए थे, और क्योंकि शाहरुख का केक कटिंग हुई थी, सेलिब्रेशन हुआ था, फिर खाना भी बहुत लेट हो गया था, तो मैं ओवर जायद वहीं सो गए थे। पर सुबह सुबह भागकर हम लोग आए, क्योंकि काम वाली जो 8:30-9 बजे तक आते वो सुबह हम लोग ने बोले 11:30-11 तक तुम आ जाना, तो 11 बजे आ गई थी। तो मैं ऑलवेज जो ऑलरेडी उसका डेली रूटीन है सुबह उठ जाने का, तो वो उठ गया, उसकी नींद खुल गई, तो मैं बोली चल तू भी। तो वो देखो यहाँ पे आप लोग देखो गाइस, इसने बनाया है चीज़ और चीज़ पाव। मैं इसको बोली भी चल मैं रोटी बना दूंगी, तो बोलता है नहीं मम्मा मुझे चीज़ पाव खाना है। तो गाइस देखो यहाँ पे आपने कितनी बुरी तरह से ओवेज़ ने इस पाव को जला दिया है, खुद ही बनाया है खड़े रह के। मस्त इसने चीज़ डाला, क्या क्या डाले आप? चीज़, मायोनीज़, तंदूरी सॉस, मस्टर्ड सॉस और जो जो मैं सॉसेस ला के रखती हूँ ये सारे डाल दिया। और इधर देखो इतनी मायोनी, इसको कोई समझाओ प्लीज, कमेंट में बताओ कि मायोनी अच्छी नहीं होती, वो ऑयल से बनती है, इसको समझाइए कि इतनी मायोनी नहीं खाना चाहिए। मेरी तो सुनेगा ही नहीं, इसको इसके पापा से डांट खिलानी पड़ेगी। और इसने देखो गाइस और भी कुछ बनाया है, ये वफल टाइप कुछ रखा था लाके बेफर का इसने डीमार्ट से, तो उस पर उसने डाल दिया सॉसेजेस, क्या डाले इसमें, हर्शिल और चोको चिप टाइप कुछ डाला है, पता नहीं क्या अनशन करके खा रहा है। अब इसको बैठ के घिस रहा है, तो इतना जलाए क्यों आप? भूल गए थे गैस ऑन रख के, फिर मैं जाके सीलो क्यों, अकेले गैस के पास मत जाया करो, जब मैं रहूं तो ही जाया करो, और मेरे को आवाज दे दिया करो आपको नहीं समझे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना और मायोनी थोड़ा कम करो खाना। तो गाइज इसका तो हो गया, अब मैं मेरे लिए जाती हूँ और चाय पराठा बना के खाती हूँ, क्योंकि मुझे चाय पराठा खाने बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। ये पाव वाव खा के मेरा मन नहीं भरता, बस एकदम हैवी फील होता है पाव खा लो तो मैं सोच रही हूँ जाके मैं अपने लिए चाय पराठा बनाती हूँ और आपको मिलती हूँ, क्योंकि मैं जाऊँगी और आयत को भी लूँगी, और देखते हैं संडे तो क्या करना है आज। तो गाइज यहाँ पे मैंने अपने लिए बना लिया है चाय पराठा, देख सकते हो आप, मुझे बहुत मन हो रहा था सुबह सुबह ये खाने का और अच्छा लगता है खाने के लिए, तो चलो फटाफट खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम फिनिश हुआ, क्योंकि मंडे के दिन सुबह सुबह फिर से वही रूटीन शुरू हो जाता है, तो मेरे सारे काम नहीं हो पाते। तो जब तक आयत अपनी दादी के और ओवेज नीचे खेल रहा है, तो मैंने फटाफट से सारे काम निपटा लिया। अभी मुझे अम्मी का कॉल आया कि अम्मी ये घर में बहुत हो गई है मूंगी, तो अम्मी ने मुझसे मंगाया है ये स्प्रे, तो अभी मैं बस लेके ये जा रही हूँ। और गाइज मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले, अभी हार्डली 2-3 दिन पहले, मतलब ये तैयारी मेरी 1-2 वीक से चल रही थी, मैंने मेरी अम्मी से मल्टीग्रेन रोटी के लिए बारे में पूछा था। तो ये रेडीमेड भी आटा मिलता है, पर मुझे उस पर इतना ट्रस्ट नहीं है कि जो जो चीज़ लिखी है वो डालते होंगे क्या नहीं। तो मेरी अम्मी घर में ही बनाते हैं, मतलब सब चीज़ जमा करके मेरी अम्मी वो रोटी बनाते हैं। तो मैंने मेरी अम्मी से पूछा कि अम्मी कैसे बनती है, तो मेरी अम्मी ने बताया ये लो वो ले, तो इसमें कम से कम हार्डली 7 या 8 चीज़ें कुछ डली हुई है। मतलब मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगी, और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मैंने ये रोटी में क्या क्या डाला है, और आप लोग गेस करके मुझे ज़रूर बताना मैंने इसमें कौन कौन से वो क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, बीन्स नट्स वगैरह क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, वो मैंने क्या क्या डाला है, तो मेरे को ज़रूर बताना गाइस। चलो मैं लेके जाती हूँ अम्मी के लिए, क्योंकि मकसूद मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अम्मी को भी ज़रूर खिलाना, मतलब मेरी सासू माँ को। तो गाइज यहाँ पे मैंने ले लिया है ये स्प्रे जो अम्मी मंगाए थे, और यहाँ पे मैंने आटा वगैरह भी ले लिया है 4-5 रोटी का, मैं अम्मी पापा दोनों को बना के खिलाऊंगी खुद ही। और मैंने अपने लिए ये आटा जो मैंने रात में गूंध लिया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ये रोटी ट्राई की है, तो मुझे इसका एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं था कि कितने आटे में मैं खा सकती हूँ, तो मैंने ज़्यादा ही गूंध लिया था, तो ये भी ये आटा मुझे हो जाएगा, ये इसमें अम्मी पापा और 1-2 एक्स्ट्रा बनेगी। तो गाइस हम लोग आ गए घर पे, और यहाँ देखो आयत आते ही ले लिए मेरा मोबाइल और कैश, क्या कर रहे थे बेटू? बहुत सारी मस्ती किया। और यहाँ पे देखो ये भी, इसको भी मैं नीचे से लेके आ गई, खेल रहा था। सिलो। हाँ दोनों अभी अपने अपने असलियत पे आ गए, मोबाइल लेके बैठ गए टाइम पास। आए ब्राइटनेस कम करो, आईज मोड ऑन करो, आई प्रोटेक्शन ऑन कर लो, अरे ये वाला। और ये देखो इन लोगों की मस्ती, वो वैसे आयत की
मस्ती। ए, आराम से। मम्मा मैंने घर पर मोबाइल देखा नहीं, भाई जान मोड़ पे अभी मोबाइल ही देखा। उल्लू 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 बड़े भाई को मारती है, बैड मैनर, बदतमीज। आयत नो, चलो लोगों को छुड़ाते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। गाइस यहाँ पे देखो आयत रो रही है बॉयल अंडा खाने के लिए, तो मैं रख के भी आ गई हूँ फिर भी ये नहीं सुन रही है। तो चलो इसको दिखाते हैं अंडा, चलो जल्दी चलो चलो मैं आपको दिखाऊँ आपका बॉयल अंडा। अंडा है बोलती तो कितना खाना था? एक दर्जन? दो नहीं, अभी एक खाओ फिर मम्मा सुबह आपको स्कूल से आओगे ना तो दो देंगे, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। दो खा लो फिर खाना खा लो, एक खा लो फिर खाना खा रही हूँ। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ आटा, अम्मी ये आटा वो मल्टीग्रेन वाला, अभी मैं इसको गूंथती हूँ और आपको रोटी बना के दिखाती हूँ। आयस भी खाती है ना बिट्टू? जितनी यहाँ खाती हो उबला अंडा खाने। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट आटा गून ली हूँ और यहाँ पे इनको आओ कर रहे, क्यों क्या हो गया तुमको? नाखून कुछ ज्यादा काट लिया। ज्यादा काट लोगे वो बाद में बहुत जलता है। क्या बना रहे हो भाभी? कैसा एकदम अलग आटा दिख रहा है, ये ब्राउन, ये है मल्टीग्रेन आटा, इसमें बहुत सारी दालें डाली हूँ मैंने, गेहूँ चना वगैरह बहुत सारा। बहुत आपने हाथ से बनाया हो? हाँ, सब जा जाके ढूंढी, मेरी अम्मी से पूछी तो मेरी अम्मी बताई ये लेके आ, ये लेके आ, ये लेके आ। देखो उसको इतना रोना आ रहा है, क्या हो गया यार? बॉयल अंडे के लिए नाराज हो रहा है। देखो बॉयल अंडा यहाँ, उसको मैं बताई भी तो अभी मैं जा रही हूँ अम्मी पापा को भी ट्राई कराने, कल मैंने दो खा के देखी अच्छी बनी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं अब तक आप एक ही बार खाए? हाँ, कल ही तो पिसवाई, कल ही पिसवाई, तो तुम्हारे भाई बोले अम्मी को जरूर जरूर खिलवाना और अम्मी से पूछना कैसी है, फिर अम्मी भी, अम्मी को भी बताना क्या क्या डाली। अम्मी थोड़ा तो पिसा के रख लेंगे, दो चार किलो कभी कभी बना के दोपहर में अम्मी खा सकते हैं, पनीर बना देते हैं दोपहर में, पर ये पनीर के लिए नहीं है मेरे को लगता है, क्या पता अम्मी ट्राई करे तो तेल और पानी। हाँ अम्मी करके बना सकते हैं, मैं तो बेलूंगी स्लो स्लो, पर ये बहुत सूखती है बहुत ज्यादा। चलो मैं दिखाती हूँ। मैंने इसकी यूं इस तरीके से ऐसे गोल गोल पेड़े टाइप बना लिए हैं और अभी मैं इसको नॉर्मल आटे से बेलूंगी, क्योंकि वो आटे से पता नहीं मैंने ट्राई नहीं किया, बट मैं नॉर्मली आटे से बेल रही हूँ। चलो फिर बेलते हैं और बनाते हैं। से मैंने इसको बेल लिया है गोल गोल ये बेलन से और अभी इसको ऐसे तवे पे डाल देंगे और थोड़ा सा फ्लेम फास्ट कर देती हूँ, मैंने स्लो कर दिया था, फिर इसको अच्छे से सेक लेंगे। और फाइनली गाइस रोटी इस तरीके से हो गई है रेडी। और सोनम जाओ अम्मी को देखे आओ और अम्मी से पूछो जज से कैसी बनी है, जल्दी आओ भाई फिर मैं बनाओ फटाफट अम्मी के लिए। आओ दो अम्मी को, दो पापा को, दो मतलब एटलीस्ट इसमें कितनी बन रही है, 6 बन रही है ना, दो मैं दो अम्मी दो पापा, तुम सब थोड़ा थोड़ा उसमें से देख लेना टेस्ट करके। हाँ और गाइस यहाँ पे मैंने अम्मी को दे दी रोटी, अम्मी अब बताएंगे इसका रिव्यू, अम्मी कैसा है? अच्छी लग रही है। अच्छी है ना? हाँ, तो और ये गरम गरम ही खाएंगे ना अम्मी तो ही अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। ठंडी होती है, मेरी अम्मी तो ठंडी भी खा लेते हैं क्योंकि अम्मी एक साथ ही बना लेते हैं, बार बार उनको बनाने में परेशानी होती है, तो ठंडी इतनी मज़ा नहीं आती, पर गरम गरम बहुत अच्छी लगती है। और अम्मी ने कुछ पालक की सब्जी बनाए थे उसके साथ, वरना इसके साथ मेरी भाभी की रेसिपी है, मेरी भाभी बनाते हैं सूखी मिर्ची लहसुन और पता नहीं, मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी, और सेंग भून के उसका एक वो बनाते हैं कुछ ठेसा टाइप, और बोम्बिल ओम्बिल का ठेसा रहता है। भाभी भी बनाती है रोटी? नहीं, ये रोटी अम्मी खाते हैं, तो मेरी भाभी जब अपने घर की नॉर्मल रोटी उनको दे रहे थे ना तो वो ठेसा बना के दिए थे सेंग का, बोलते हैं ना अर्जेंट में इमरजेंसी में कुछ भी बनाते हैं, पर वो बहुत अच्छा था, मेरी अम्मी लेके आए थे, मेरे को इसके साथ बहुत अच्छी लगी थी अम्मी। नहीं नहीं सेंग का, बोमिल का भी बहुत मजा आता है, तुम खाते नहीं हो ना वरना बोमिल को हरी मिर्ची में पीस के खाएंगे ना, इसलिए सब लोग बनाते कैसे बनाते। तो गाइस किसी ने मुझे कमेंट किया था कि तुम ही अपनी सास के घर से खाली लेके जाते हो कि उनको भी बना के खिलाते हो, मैं हर चीज शो नहीं करती और हम लोगों का क्या रिलेशन है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन पूरा वीडियो में तो नहीं कर सकती, जो मुझे लगता है कि अम्मी को लेके जाके बना के देना चाहिए मैं खुद ही यहाँ जाती हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरे शायद पूरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं
मैं एक बार आई थी यहाँ पे, सब भजिया हो जाएगा, पेटीज पार्टी, पुलाव बनाए हो, पुलाव बनाई हूँ आके, कभी कभी सालन वगैरह भी बघार लेती हूँ, अम्मी की कुछ हेल्प कर देती हूँ किचन में। और हर चीज शो करना जरूरी नहीं है कि पूरा दिन 24 आवर्स बिग बॉस नहीं है कि मैं कैमरा लगा के रखूँ कि मैं अम्मी को क्या देती हूँ क्या लेती हूँ। अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने मेरा वीडियो ध्यान से देखा, तभी मुझे नोटिस करके ही बोले। पर गाइज मैं अम्मी के साथ बहुत साल ही, मेरी पूरी स्टोरी जानना है तो मुझे कमेंट करना। और ये रही रोटी, कुछ कुछ स्पेशल चीज, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी भी बहुत कुछ अच्छा बनाते हैं, क्योंकि सोनम बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी सैटरडे संडे ट्राई करते हैं। yes, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे जो मैं बनाई सब देना ही है, क्योंकि मेरे से अच्छी चीज यहाँ बन जाती है, ये लोग खुद मुझे बुलाते हैं और मैं जो बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अम्मी के यहाँ भेजना चाहिए, तो मैं भेज देती हूँ। वीडियो लेना जरूरी नहीं कि हर चीज में वीडियो लेके अम्मी क्या जा रहा है, अम्मी क्या जा रहा है, क्यों, किसने कुछ बोला क्या आपको? हाँ, मुझे एक कमेंट आया था कि अपनी सास के यहाँ से तुम सालन ला रहे हो, ये ला रहे हो, तुम नहीं देते। तो मैंने बोली कि हर चीज थोड़ी मैं शो ऑफ करूंगी कि मैं क्या दे रही हूँ क्या नहीं, ये मुझे लगा कि अम्मी को जाके बना के देना चाहिए। और इसका एक मिक्स मैंने जो जो इसमें मल्टीग्रेन रोटी के लिए डाला तो वो बताना चाहिए, इसलिए मैंने ये चीज़ शो की। वरना मैं हर चीज़ नहीं शो करती, भाईजन को पाव भाजी पसंद है तो मैं हमेशा भेज देती हूँ, मैं उसका वीडियो भी इतना नहीं ली हूँ, पर बी फ्रैंक मैंने ली हूँ कि हाँ भाईजन के लिए पाव भाजी जा रही। हर टाइम मैंने 6 बार भेजी तो 6 बार का थोड़ी मैं वीडियो डालूंगी। तो गाइस थैंक यू सो मच मुझे इतने ध्यान से देखने के लिए, और इसी तरह अपना प्यार दो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करो, इसी तरह हमें आगे बढ़ाओ। और गाइस प्लीज आप सब बताइए कि भाभी के पहले की, अगर आपको कुछ जानना है कि भाभी कैसे आए कैसे रहे कितने साल निकाले क्या है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, भाभी आपको बताएंगे, बताएंगे ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके लिए सोनम मोबाइल पकड़ेगा। ओके चलो मैं भी खाती हूँ, मैंने भी अपने लिए 2 बना लिए, फिर तो पापा वॉशरूम में पापा आएंगे, उनके लिए भी 2 रोटी बना दूंगी, 2 रोटी बच गई है तो गरम खाएंगे तो मजा आएगा। तो गाइस यहाँ पे अम्मी के बाद पापा की बारी, पापा कैसी है रोटी बताना मुझे, खा के बताओ। टेस्ट में कैसी है, ऐसा कड़वी तो नहीं है ना, सूखी खा के, हाँ सूखी पता चलेगा, क्योंकि अम्मी जो जो बताए थे ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा भी डाल दी, बाजरी वाजरी ये सब थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा डाल दी, तो मेरे को लगा कड़वी हो जाएगी, गेहूँ कम है इसमें, कड़वी तो नहीं हुई वो ही, नहीं ना सही है ना, अच्छी है ना, चलो अच्छा हुआ। पास हो गई। यहाँ पे आया मोबाइल देखते देखते खा रहे खाना, इसको प्लीज बोलो कि इतना मोबाइल नहीं देख रहे, ये मेरी एक नहीं सुनती, अब ये खाएगी मार भाईजन से या किसी बड़े से, ये मार खाएगी अब, है ना, है ये बहुत देखती है। और देखो इसको ये हो रहा है बोर, संडे नहीं मन रहा इसका, ये वहाँ क्रिकेट खेलने वाला था पर मैंने इसको मना की मत खेल, क्योंकि लग जाता है इसको फिर इसकी फाइटिंग हो जाती है, फिर बच्चे इसको नोच देते मार देते, इसीलिए मैंने इसको लेके आ गई इधर, ये बोर हो रहा है कुछ भी कर रहा है। तो चलो फिर फटाफट से आयत को खाना खिला देते हैं। हम लोग हो रहे थे अभी खाना वाना खाने के बाद थोड़ा बोर, तो मैंने आयत को डांटी कि अभी मोबाइल मत देख और जाके फ्रेश हो जा, तो अभी सोनम जा रहे हैं उसको फ्रेश करने और थोड़ा रेडी वेडी करेंगे, शाम हो गई है तो मैं सोच रही हूँ, मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ, मैं आपको आईने में से दिख रही होगी, मैं भी यहाँ बैठे मोबाइल देख रही थी और बोर हो रही थी, तो जा रही हूँ मैं थोड़ा सा ब्लैक टी बना के पीने, हाँ किचन में रोटी वाली आंटी रोटी बना रहे, तो फिर थोड़ी देर से जाती हूँ मैं। और आयत आप भी फ्रेश हो जाओ, संडे है, अच्छे से रेडी वेडी हो जाओ, हम लोग मैं और भाई तो मस्त नहा वहा के आ गए फ्रेश होके, अभी आयत भी फ्रेश हुएगी, खाना वाना खा ली अच्छे से। और अम्मी शाहरुख नीचे चले गए हैं, ओवेज बाहर बैठा खाना ले, ओवेज बाहर बैठा मोबाइल देख रहा है, पापा भाईजान सब बाहर बैठे, फिर देखते हैं इंशाल्लाह आगे का क्या प्लान है।